नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। हम पहले अध्याय में संसाधन की परिभाषा, संसाधन के विभिन्न प्रकारों को अपने समझ चुके हैं। तो अब अपने इन जो हमारे संसाधन हैं, इन संसाधनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसमें पहला अपना जो संसाधन है इसमें, वो है भूमि। तो भूमि संसाधन पे अपने चर्चा करेंगे कि भूमि संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो इस भूमि संसाधन के बारे में अपने आज चर्चा करेंगे। तो पहला प्यारे बच्चों, अपना जो संसाधन है वो कौन सा है? भूमि है। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल। हमारे जितने भी महत्वपूर्ण संसाधन हैं प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप प्राप्त हुए हैं, उनमें से भूमि भी क्या है? एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यानी भूपृष्ठ, पृथ्वी की सतह की बात करें, ठीक है, जो धरातल है उस धरातल की बात करें, तो 30% भाग क्या है? भूमि है। यानी भूमि का कुल कितना भाग है? जो 30% हैं। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ये जो हमारा है इसमें भी सभी जगह क्या है? आवास योग्य नहीं है, क्योंकि हम अपने सभी जगह जो भूमि है वो समतल नहीं है, एक जैसी नहीं है, उसको अपने काम में नहीं ले सकते हैं। तो आवास योग्य नहीं है, घर बनाने के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात, अधिकांश भाग क्या है इसका? उबड़ खाबड़ है, ठीक है, और स्थलाकृति, इसकी जो स्थलाकृति है, ठीक है, वो समान नहीं है। पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांता, यानी इन कारणों से क्या है? ये पूरा आवास योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो 30% भूभाग है, भूमि है हमारी, ठीक है, इसमें से अधिकांश भूमि क्या है? उबड़ खाबड़ है। स्थलाकृति, उनकी आकृतियां क्या है? असमतल हैं, ठीक है, इस वजह से। और पर्वतों के जो तीव्र ढाल हैं उनको हम उपयोग में नहीं ले सकते। जलाक्रांता, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ जैसी समस्या है, ठीक है, ऐसी जलाक्रांता, जल का भराव रहता है, ठीक है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में क्या है? हम आवास रह नहीं सकते, लोग अपने घर नहीं बना सकते, रह नहीं सकते, उस भूमि को काम में नहीं ले सकते। और मरुस्थल क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, और कुछ क्या हैं? विरल बसे हुए हैं, और कुछ क्या हैं? निर्जन हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी क्या हैं? लोग नहीं रहते हैं। तो ये 30% भाग हैं जो पृथ्वी का, भूमि संसाधन का, इस प्रकार से हैं। उर्वर मैदानी और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है। इसके अलावा रह गई जो मैदानी भाग रह गई, ठीक है, यहाँ पे क्या की जाती है? कृषि की जाती है, ठीक है, और जो नदी घाटियों के क्षेत्र हैं यहाँ पे क्या है? ये मैदानी भाग भी क्या है? उपजाऊ है, इसलिए ये सघन बसे हुए हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में पानी की अधिकता है, ठीक है, जल की उपलब्धता है, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या है? लोग कृषि भी करते हैं और लोगों का बसाव भी है, ठीक है, अधिक संख्या में लोग इधर रहते भी हैं, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। इन मैदानी क्षेत्र और ये क्या है? इस पृथ्वी पे सघन बसे क्षेत्र हैं। यहाँ पे लोगों की, विश्व के अंदर, विश्व की बात करें तो इस पूरे जो भूमि है, पूरा जो धरातल है, पृथ्वी की सतह है, तो पूरे संसार के अंदर क्या है? जो मैदानी क्षेत्र हैं और नदी घाटियों के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लोगों का बसाव अधिक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है? उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए क्या है? लोग इन क्षेत्रों में, लोगों का आकर्षण है जो अधिक है।
इसके बाद में प्यारे बच्चों अपने ये समझ लिया भूमि संसाधन कितना भूभाग है, ठीक है। और इसके बाद में अपने इस भूमि के उपयोग पढ़ते हैं कि भूमि के क्या क्या उपयोग होते हैं, भूमि को किस किस से काम में लिया जाता है, ठीक है। इसका हाँ विश्व के अंदर भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, तो इसके बाद में नेक्स्ट अपने समझते हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे एक नंबर कृषि, कृषि के अंदर अपने भूमि का उपयोग करते हैं। दूसरा वानिकी, ठीक है, वानिकी पेड़ पौधे पादप, ठीक है, इनके अंदर। इसके बाद में खनन, चौथा है सड़क निर्माण, पांचवा है उद्योगों की स्थापना, ये हैं। तो प्यारे बच्चों अपने कृषि जो भूमि है, भूमि का उपयोग किस में करते हैं, खेती के अंदर, वानिकी के अंदर, खनन के अंदर, सड़क निर्माण में, उद्योगों की स्थापना के अंदर और अन्य उपयोगों, अन्य जो इसके उपयोग भी हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी जो भौतिक कारक है, धरातलीय कारक हैं, उनके द्वारा ही वहाँ की जो स्थला करती है, ठीक है, उसमें स्थलाकृति, यानी वहाँ की जो भूमि है उसकी स्थलाकृति कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, उसके आधार पे वहाँ पे मृदा कैसी है, उसके आधार पर उसका उपयोग होता है। क्या देखा जाता है उपयोग में लेने से पहले, उसकी स्थलाकृति को देखा जाता है, उसकी आकृति कैसी है, मृदा कैसी है और जलवायु कैसी है वहाँ की, ठीक है, और खनिज, और पाँचवा है जल की उपलब्धता। यानी इन तथ्यों को देखकर ही क्या है, उस भूमि का उपयोग, जिस क्षेत्र की भूमि है, ठीक है, तो उसकी पहली स्थलाकृति कैसी है, मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, खनिज कौन कौन से हैं, जल की उपलब्धता कौन सी है, फिर ही क्या है उस भूमि का उपयोग है जो संभव हो पाता है, उसको अपने काम में ले सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि बांटा जाता है। अगर स्वामित्व की बात करें तो एक तो भूमि होती है सामुदायिक, सामुदायिक भूमि, ठीक है, जिस पे किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। एक होता है निजी भूमि, ठीक है, जिस पे व्यक्ति का जो स्वामित्व होता है निजी, ठीक है, तो निजी होती है, व्यक्ति विशेष का उसमें स्वामित्व होता है। सामुदायिक में क्या है, जो कि सरकार या किसी सरकारी समुदाय के नियंत्रण में होती है, जिसको सामुदायिक भूमि बोलते हैं। एक होती है साझा संपत्ति, और इनको इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, साझा, साझा सामुदायिक संपत्ति भूमि भी बोलते हैं, क्योंकि ये सभी लोगों के का साझा होती है, इसका साझा उपयोग होता है, इसलिए इसको साझा सामुदायिक संपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, इसलिए भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा बन गया है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने क्या है, अतिदोहन, भूमि का अतिदोहन, ठीक है, तो हमारे सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिनमें से क्या है, भूमि का निम्नीकरण, यानी भूमि का जो उपजाऊपन है वो समाप्त हो रहा है, भूस्खलन, भूमि का खिसकना, ठीक है, ऐसी घटनाएं, मृदा अपरदन, मिट्टी का जो कटाव है, मरुस्थलीकरण, ठीक है, पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है।
तो ये प्यारे बच्चों अपने भूमि के उपयोग पड़े कि भूमि का उपयोग किन किन क्षेत्रों में अपने करते हैं, कृषि के अंदर, वानिकी, खनन, सड़क निर्माण, उद्योगों में, और भूमि का उपयोग करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, वहाँ की स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता को देखना पड़ता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो है भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी अपने इसको किस प्रकार से भूमि का अपने जो दोहन हो रहा है उसको बचा सकते हैं, उसके उपाय क्या हैं हमारे पास, तो इसके बाद अपने पढ़ते हैं भूमि संरक्षण, यानी भूमि की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, भूमि को हम किस प्रकार संरक्षित रख सकते हैं। तो भूमि संसाधन का संरक्षण, भूमि संसाधन का संरक्षण, यानी इसका बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पूरे विश्व भर में जनसंख्या बढ़ रही है और इस भूमि उपयोग की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए जो वन भूमि है उसका भी लोग क्या है उपयोग करने लगे हैं कृषि के अंदर। इस वजह से ये समस्या हुई है और भूमि के जो भूमि की उपयोग के अंदर निरंतरता, ठीक है, निरंतर क्या है जो उपयोग इसका बढ़ने से इसका ह्रास हुआ है, इसका विनाश हुआ है। तो इससे बचने के लिए, इससे प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हुआ है, इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। कैसे रोक सकते हैं हम? उसके उपाय हैं वनारोपण। क्या करना होगा? वनारोपण, पेड़ पौधे लगाने होंगे। दूसरा, भूमि उदार, भूमि उदार। तीसरा, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, क्योंकि आजकल हम भूमि उपयोग के अंदर क्या है कृषि करते हैं तो उसमें रासायनिक कीटनाशक उर्वरक आदि का उपयोग करें तो उस पर भी हमें क्या है उनका उचित उपयोग करना पड़ेगा। चौथा, अतिचारण पर रोक, पशुचारण, अतिचारण पर रोक। ये तरीके अपनाकर हम क्या है भूमि का जो बचाव है वो कर सकते हैं। तो भूमि संसाधन का बचाव करने के लिए हमें वनारोपण करना होगा, भूमि उदार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अति चारण पर रोक लगानी होगी। इस वजह से हम भूमि संसाधन का संरक्षण है, बचाव है जो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने भूमि के बारे में जाना, भूमि संसाधन के बारे में हमने पढ़ा और भूमि संसाधन के उपयोग पड़े और इसके भूमि संसाधन का हम संरक्षण, भूमि संसाधन का बचाव हम किस प्रकार से कर सकते हैं ये पढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।